महावीर जयंती के अवसर पर देश भर में खास आयोजन किए गए, जहां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इस मौके पर जैन समाज के लोगों ने हर बार मोदी का परिवार का संकल्प लिया। इस दौरान पीएम मोदी को विजयी भव का आशीर्वाद मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान आचार्य श्री प्रज्ञ सागर महाराज ने पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने पीएम मोदी को चक्रवर्ती सम्राट बताया, साथ ही लोगों से चक्रवर्ती बोलने का आह्वान भी किया। आचार्य श्री ने कहा कि गुरुवर ने कहा था कि देश में एक चक्रवर्ती आएगा और नरेंद्र मोदी ने वो उपमा सिद्ध कर दी है। दिल्ली से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। पूज्य गुरुदेव विद्यानंद महाराज ने कहा था कि देश में एक ऐसा चक्रवर्ती आएगा जो इस भारत को विश्व गुरु बनाएगा। मैं समझ नहीं पा रहा था, उस बात को मैंने समझा नहीं था, लेकिन मुझे आज समझ में आ रहा है। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र, और नरेंद्र का अर्थ होता है नरों का इंद्र, मनुष्यों का इंद्र, चक्रवर्ती चक्रवर्ती, और यही चक्रवर्ती है। और मैं पूरे विश्व से उद्देश्य से कहना चाहता हूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नाम के आगे चक्रवर्ती नरेंद्र मोदी लगाया जाए। जैसे जैसे सरदार वल्लभ पटेल के आगे लोह पुरुष की उपमा दी गई थी, आज सारा जैन समाज नरेंद्र मोदी को चक्रवर्ती बोलेगा। भगवान महावीर ने एक महत्वपूर्ण बात कही है, एका मानुषी जाई, मनुष्य जाति एक है। हर व्यक्ति का उत्थान, हर व्यक्ति का आरोहण और हर व्यक्ति का मंगल होना चाहिए। बंधुओं, मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ, इसी सोच के मालिक हमारे देश के गौरव माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी एक नजीर है, एक उदाहरण है, जो विकास और विरासत को एक साथ लेकर चल रहे हैं। और मुझे लगता है ये केवल माननीय प्रधानमंत्री ही नहीं, एक राजर्षि के रूप में है। जिस राज में रहते हुए जो तपस्या कर रहे हैं, वो आप और हम सब के लिए एक प्रेरणा है। हमने देखा, अभी हम दिल्ली NCR में भ्रमण कर रहे थे और हमने G20 की जो पोस्टर पे टैग लाइन पढ़ी, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। मुझे लगता है ऐसी सोच उस व्यक्तित्व की हो सकती है जिसके दिल और दिमाग में विकास के सपने होते हैं। हम हमारे देश के गौरव प्रधानमंत्री जी के प्रति यह मंगल कामना करते हैं, शुभ कामना करते हैं कि आपके करिश्माई कर्तृत्व और प्रखर नेतृत्व से हमारे भारतवर्ष का यश, गौरव, मान सम्मान और अधिक शिखरों तक पहुंचे।